नहीं, उसी की टोपी पहन लूंगा मैं, तो टोपी पहनाता हूँ मैं, टोपी पहनाने वाला हूँ। पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप फोटो खींचे, जब सारे गए थे दिल्ली, आप भी उसी टाइम पे दिल्ली गए थे? मैं सबसे पहले गया था। सबसे पहले गए थे? बिल्कुल। पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? मैं पहले गया। खुशबुद्धि का आई है फाइनली 3-4 दिनों बाद। कहाँ थी आप इतने दिन? रेस्टिंग मोड पे थी, रेस्ट कर रही थी, गर्मी ज्यादा थी ना। सवेरे से बत्ती बंद है, हमारा इन्वर्टर भी डेड हो चुका है ऑफिस का। बुरी हाल, बुरी हाल है। मैंने आपको कहीं देखा है? है? मैंने आपको कहाँ देखा? कहाँ देखा? याद करो। सीरियसली देखा? कहाँ देखा? याद करो ना। वो याद नहीं आ रहा। किसकी शादी में देखा? याद करो। स्पेशल मोड क्या है? हम नीचे जा रहा था, हमने वैसे क्या बात है, इतना प्यार। चलो थैंक यू सो मच, सारी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहो। मुझे क्या पता, थोड़ा क्या नाम लेना जरूरी है? हिंट हिंट दो, बस एक हिंट छोटा सा। वो एक शेर है ना, हमसे ना पूछो मेरे हम निशीनों के नाम। अच्छा, इसमें कई पर्दा निशीनों के नाम भी आते हैं। क्या बात है, मतलब आपका कोई हम नशीन है। चलो बढ़िया। गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे और अभी मैं निकल पड़ा हूँ ऑफिस की तरफ और मौसम एकदम गर्मी वाला है और लाइट के कट बड़े ज़्यादा पड़ रहे हैं घर पे, इसकी वजह से रात को नींद भी थोड़ी ऊपर नीचे हुई। बट कोई बात नहीं, ऐसा पूरे जम्मू वालों का हाल है, मैं अकेला कल्ला नहीं हूँ, सो नेवर माइंड। तो चलो बढ़ते हैं ऑफिस की तरफ और चलते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो ऑफिस में बैठे थे हम, एक घंटा भी बज चुके हैं 12:15 और अब हम जा रहे हैं काम पर, काम करने। बहुत सारे काम है आज और सबसे पहले हम जा रहे हैं एक नेता के घर पे, उनका इंटरव्यू करने संजीव भाई से करवाएंगे और वो नेता कौन है उनके पास चल के बताते हैं हमको। वैसे यार आप ना, हम प्री रोल डालते तो उसमें देख ही लेते हो पहले, तो बता देता हूँ हर्षदेव सिंह जी के पास जा रहे हैं हम और हम इसकी बिल्कुल भी मजम्मत नहीं करते। चलो, तो हर्षदेव सिंह जी के घर के बाहर पहुंच चुके हैं हम और हिमांशु भाई कोल्ड ड्रिंक पी रहे, और हिमांशु भाई माकड़ी खाओगे? हर्षदेव सिंह जी गुस्सा तो नहीं करेगा यार, माकड़ी तोड़ के खाएंगे तो? छोड़िए, कोल्ड ड्रिंक हम अपने घर से लाया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये माकड़ी छोटी है वरना तोड़ देते है ना, कच्ची भी है, कच्ची माकड़ी कच्ची। तो हर्षदेव जी आ चुके हैं हमारे साथ। सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपको वहां आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी होगी आपने, क्या हो गया? टोपी जो है हम पहनाते हैं, टोपी पहनते हैं। टोपी पहनाते हो? लेकिन सीरियसली जब से वो देखी थी ना मनीष सिसोदिया जी के साथ आपकी फोटो, सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई हर्षदेव सिंह जी आम आदमी पार्टी का चेहरा जम्मू में, उसके बाद क्या हो गया ऐसा मसला? देखिए, जो टोपी पहनने गए थे वो पहन के आ गए, आपने देखा होगा। वो तो देखा मैंने। हाँ हाँ हाँ, और कैसी टोपियां पड़ी हैं उनको, वहाँ क्या पड़ा और यहाँ उनको क्या पड़ा है ये भी आपको पता होगा कि जम्मू में आकर उनको क्या पड़ा है। चलो वो तो टोपी उन्होंने दिल्ली में डाली थी, जम्मू वालों ने उनको क्या पहनाया है ये भी आपको देखा, आपने देखा होगा। नहीं, वो तो आने वाले वक्त की बात है, लेकिन आपने क्यों नहीं ज्वाइन की? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए। फोटो तो आपने भी खिंचवाया था? फोटो तो चलता रहता है, फोटो तो नहीं नहीं, आपने सबके साथ है मेरे फोटो? नहीं नहीं नहीं, मेरा किसके साथ नहीं? वो एक स्पेशल फोटो मेरा प्रधानमंत्रियों के साथ भी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी है, राष्ट्रपतियों के साथ भी है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि साथ मैं फोटो खिंचाऊंगा, उसी की टोपी पहन लूंगा मैं, तो टोपी पहनाता हूँ मैं, टोपी पहनाने वाला हूँ। पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप फोटो खींचे, जब सारे गए थे दिल्ली, आप भी उसी टाइम पे दिल्ली गए थे? नहीं, मैं सबसे पहले गया था। सबसे पहले गए थे? बिल्कुल। सबसे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? मैं पहले गया था और इसलिए नहीं गया था कि मैं कोई इनके साथ गया था, मैं अलग किसी अपने काम से अक्सर आना जाना रहता है दिल्ली में, हमारी राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली जाए बगैर तो गुजारा नहीं है ना। बात तो सही है आपकी। सर ये मोदी जी की रैली भी हुई थी परसों पल्ली में, तो देखा आपने कुछ वहाँ पे? नहीं, मोदी जी की रैली मैंने देखी थी वो सोशल मीडिया में, बड़े ज्यादा लोग आए थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लोग भरे थे, खड़े होने की जानी थी। हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ हाँ, वो बहुत बांटा भी बहुत कुछ जा रहा था वहाँ, वो भी मैंने देखा है कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट वहाँ किया जा रहा था। नहीं नहीं, मैं पानी के पाउच दे रहे थे पीने के बाहर, देखा मैंने। पिला तो रहे थे आप, मुझे पता नहीं है कि क्या पिला रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत वहाँ वो चल रहा था। तो ये तो मौज है और आगे के लिए भी लोगों को एक पैगाम है कि आप आ जाइए, आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और आपकी पूरी खिदमत जो है वो की जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं और शुरुआत उसकी हो गई है, क्योंकि बिजली का काटा 22 घंटे तक चला गया है,
तो वो कह रहे थे अब आपका भला होगा, आपके बुजुर्गों ने बहुत परेशानियां देखी हैं, वो मोदी जी कह रहे थे आपके चाचा ने, चाची ने, दादा ने, दादी ने, नाना नानी ने बहुत तकलीफें झेली हैं, अब वो तकलीफें आपको नहीं झेलनी। तो मैं जैसा अब 21 घंटे का कट लगेगा ना, मैं बताता हूँ, तो ना फोन चार्ज होगा, ना लड़का टीवी देखेगा, तो मन उसका पढ़ाई की तरफ जाएगा, तो वो पढ़ेगा। ये तो बात अच्छे दिन आ गए, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, बड़ा तेज हुए, सही पकड़े हैं आप, वाकई यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू, थैंक यू, आई रियली थैंक यू सर, अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा इनको गाइडेंस बीजेपी वालों को भी दिया करो गाइडेंस, टोपी वाले आए हैं अब नए, उनको भी थोड़ा थोड़ा, जो नए नए बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे कि सर, जैसे कि आप नाम बताओ जैसे कि अब जिनकी दुकान कहीं नहीं चल रही थी, आप किसी पार्टी में जब ज्वाइन करो ना तो तब करो जब आपको उसकी आइडियोलॉजी के साथ सहमति हो। ये नहीं है कि इसलिए ज्वाइन कर दिया कि वहाँ जो है वहाँ वो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और यहाँ जाके शायद ज़्यादा खीर खाने को मुझे मिल जाएगी, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा। किसको बोल रहे हो सर आप? नहीं फिर कौन है करते है? मुझे क्या पता, क्या पर थोड़ा क्या नाम लेना जरूरी है? हिंट हिंट दो बस, एक हिंट छोटा सा। वो एक शेर है ना, हमसे ना पूछो मेरे हम निशीनों के नाम। अच्छा, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। आए क्या बात है, मतलब आपका कोई हम नशीन है। चलो बढ़िया, समझ गए हम, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो तो वक्त हो चुके शाम के 4 और सुप्रीति का आई है फाइनली 3-4 दिनों बाद। कहाँ थी आप इतने दिन? रेस्टिंग मोड पे थी, रेस्ट कर रही थी, गर्मी ज्यादा थी ना, गर्मी में स्ट्रेस नहीं लेना होता, तो ये स्ट्रेस नहीं ले रही थी, घर में आराम कर रही थी और हम काम कर रहे थे। मुझे इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन हो गई थी। इनको डिहाइड्रेशन होते, हमारे अंदर तो पानी भरा हुआ ना सर, 70% थोड़ी 100% पानी, 4 कदम चलते पे कहते सिर्फ पानी, और ये लोग साथ में कैरी भी नहीं करते। कैरी हो तो कर लेना है, नहीं साथ में माइक भी, कैमरा भी, साथ में पानी की बोतल भी। वाह, फिलहाल रास्ते में देख लेते हैं, पानी ऑफर कर दिया करो, कुछ नहीं चाहिए, गरीब बंदों को पानी ऑफर कर दिया करो, बड़ी त्रे बड़ी त्रे लगती है। शिकंजी पीते हैं, चलो शिकंजी पीते हैं, स्मृति का पिला रही है, वेरी गुड, सामने है भैया, शिकंजी पिला दो, दो गिलास। मैंने आपको कहीं देखा है, है? मैंने आपको कहाँ देखा, कहाँ देखा, याद करो, याद करो, कहाँ देखा, याद करो ना, वो याद नहीं आ रहा, किसकी शादी में देखा, याद करो, शादी में नहीं यार, फिर कहाँ, सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा होगा यार भैया। तो ये बकलोल टीवी के फैन स्पेशली रुके हैं हमारे साथ, मुड़ के आए भैया, बिल्कुल स्पेशल मुड़ के आए हैं, हम नीचे जा रहा था हमने वैसे, क्या बात है, इतना प्यार, बहुत। चलो थैंक यू सो मच, सारी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। तो सुप्रीति के साथ रिएक्शन कर रहे थे पब्लिक, और यहाँ पे हमें कौन मिला, हमारे शास्त्री साहब, क्या हाल चाल सर आपके, ठीक हो? हिमांशु जी, हिमांशु नहीं, सौरभ, गलती में बेसिकली ना, आपका नाम हिमांशु, कोई बात नहीं और सब बढ़िया, और क्या चल रहा है, बस बढ़िया, आपका बकलोल कैसा चल रहा है? मैं ठीक है आपकी कृपा से। सूट देखो, फ्लैश सूट देखो, फ्रॉक सूट देखो, आप सरारा सूट देखो, सरारा सूट, गरारा सूट देखो, पैंट देखो, शर्ट देखो, टी शर्ट देखो, मैं देख तो रहा हूँ लेकिन देख के करना क्या है वो तो बताओ भैया। पसीने छूट रहे हैं सुप्रीति का। आ रहा था हमें परेड से, और रास्ते में संजीव भाई और हिमांशु भाई आ गए, और ये इसलिए आए हैं सवेरे से बत्ती बंद है, हमारा इन्वर्टर भी डेड हो चुका है ऑफिस का, बुरी हालत है, और उसी का रिएक्शन कर रहे थे पब्लिक रिएक्शन, यार बड़ी बुरी हालत है यार, गर्मी से यार कुछ ज्यादा ही कट्स लग रहे हैं यार, एक सेकंड दे दो बिजली, बस फोन चार्ज करना है, एक सेकंड हो जाता है आपका, पाँच मिनट हो जाता है, वो 5 मिनट हो जाएगा मेरा यार कसम से यार। जो अभी वक्त हो चुका है रात के 11 और मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, एडिटिंग वगैरह कर रहे थे मैं और हिमांशु भाई ऑफिस में, और उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, और घर से थोड़ी सी गालियाँ पड़ी कि बेटा इतनी लेट मत आया करो, बट क्या करूँ लेट हो जाता हूँ मैं, एज यू नो काम जो है वो बहुत सारा होता है, एंड
बट काम तो होता ही है, बट काम के साथ साथ हम मज़े भी करते रहते हैं और ये मज़े जो है हम अपने व्लॉग्स के जरिए आपको बताते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू, जल्दी से जल्दी नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ढेर सारे गुड मॉर्निंग लिखो, आई लव यू लिखो, थैंक यू लिखो वेरी मच, कुछ भी मतलब जो भी आपका मन करता है ना बस लिख डालो, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए क्योंकि जब कमेंट नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो अगर आप चाहते हो कि मुझे बुरा ना लगे, क्योंकि जब मुझे बुरा लगेगा मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा तो आप देख नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो डेली का व्लॉग देखो तो कमेंट करो नीचे, और मैं चलता हूँ, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।